को दिख रहा होगा जो स्क्रीन सामने, इसमें आप देखिए पहले शुरू से दिखाते हैं कि एक फंक्शन है डेफ कैलसम, और उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक फंक्शन है डेफ कैलसम। कैलसम बार बार बताएं कि नाम चेंज कर सकते हैं एक्स कमा वाई, और यहाँ पर हम उसका बॉडी पार्ट में लिखे हैं एस इजक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट माइनस वाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट कर सकते हैं। यहाँ जो हैश करके लिखे हैं ये कमेंट है, इसको हटा भी सकते हो, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। हैश करके जो भी हम लोग पैथन में लिखते हैं दैट इज अ कमेंट। उसके बाद हम रिटर्न एस कर रहे हैं, रिटर्न एस करने से ये जो भी रिजल्ट होता है, चाहे वो प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, वो रिजल्ट रिटर्न होता है, ठीक है। एक इसमें नंबरिंग दिया गया, वन नंबर हम हटा दिया, वो प्रोग्राम का क्वेश्चन था, वो हैश करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 6 में क्या है, 5 तो ब्लैंक लाइन है, 6 में क्या है कि ये एक वैल्यू लेता है फर्स्ट नंबर। ये रिविजन करवा रहे हैं आप लोग, ये पिछले क्लास में बताया था। नम टू भी क्या कर रहा है, एक सेकेंड नंबर ले रहा है। इसका सिंटैक्स देखो, फ्लोट की जगह इंट अगर लिख दोगे तो राउंड नंबर्स में लेगा, और फ्लोट लिखने से वो डेसिमल नंबर भी ले सकते हो। सम इज इक्वल टू कैल्क सम, अब यहाँ पर जो अभी हमने 3 लाइन लिखा था सबसे टॉप पर, उसका यूज हो रहा है। कैल्क सम के पास कोडिंग जा रहा है, और वहाँ से वो उस नंबर और नम टू को दे रहा है, वहाँ उसको ऐड कर रहा है, वहाँ से जो रिटर्न हो रहा है उसको वापस ले रहा है एस को, और कहाँ डाल रहा है सम, ठीक है। एक एक चीज़ को सुनो, और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग सम को विद द मैसेज सम ऑफ टू गिवन नंबर इज सम। तो इसमें देखो सीक्वेंस बता रहा है कि पहले 2 में जाते हैं और डिफाइन करते हैं, तो तुरंत प्रोग्राम 6 में चला जाता है, ठीक है, जहाँ से यूजर, मतलब फंक्शन का जो बॉडी खाली डिक्लेयर होता है, बाद में रख के उसका जो बॉडी फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ 4 स्पेस दे के वो यूज़ नहीं होता है। नम वन और नम टू देखो एक सीक्वेंस में 6, 7, 8 एक्सिक्यूट करता है, 8 के बाद फिर वो 9 में नहीं जा रहे, हम लोग वापस कहाँ जा रहे हैं 2 में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्क सम का बात हो गया। तो वहाँ पे 2, 3, 4 पहले एक्सिक्यूट किया, फिर वापस हम लोग 8 में आते हैं, क्यों 8 में आते हैं, क्योंकि सम में उसको स्टोर करना है, और बाद बाकी फिर 9 में उसको प्रिंट करते हैं। तो यही हमको समझना है कि कैसे फंक्शन काम करते हैं। ये फंक्शन हो गया कैल्क सम, और इसके ये दोनों लाइन अभी यूज़ नहीं होता है, ये दोनों लाइन का यूज़ कब होता है, जो कि यहाँ पे जब हम लोग इस फंक्शन को यहाँ नीचे कॉल करते हैं उस समय वो यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग को समझना है। आप लोग को प्रोग्राम भेजा हुआ है डेफ कैल्क सम करके, उस प्रोग्राम को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी फिर से हम उसको नहीं होता तो भेजते हैं। अब इसमें 3 वर्ड है, लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन, लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। तो ये लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन में क्या है कि जो भी पैरामीटर्स हमारे होते हैं लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है, और जो हम उसके अंदर टाइप यूज करते हैं इंट, कैट, फ्लोट, और फुल जो सिंटेक्स है प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन कहलाता है।